गोलियां बन चुकी है, 8 गोलियां इनकी M4 के अंदर है। जीत गया। गिल ब्रिंग्स टीम एक्सबॉक अगेन द लाइटनिंग स्ट्राइक्स। बहुत रिस्की था, लेकिन बहुत रिस्की था, निकाल लिया यहाँ पे। फाइनली लाइक अंटिल कोई एक प्लेयर बहुत लंबा ग्रेनेड फेंकेगा, व्हिच इज अ हाईली लेस लाइक प्रोबेबिलिटी, बट ओरैंगुटान के प्लेयर्स ने जो पानी के अंदर इनको परेशान किया, दैट इज इमैक्युलेट एंड स्कम। उल्ले आज तो गया, डेफिनेटली नॉट मिस सच अ फ्री। ओ भाई उसने वो ओपन कर दिया था, इसने दिखा नहीं, स्पॉट कर लिया। हु इज इन ऑफ सम ऑक्सीजन एज गिल He's gone crazy. जिस तरीके से बमबारी कर रहे हैं, you've got to give it to him. You have to. AK थोड़ा सा पीछे थे, मॉली वहाँ पर था, थोड़ा सा आ गया है, players वहाँ पर हैं. Scout assist देंगे kill के उस finish के लिए. Ash को भी spot किया जा चुका है. Ash के पास कुछ heal करने के लिए नहीं है. It's a 2v1v1. The chicken dinner's coming home for Team Xpark. It looks like it. Ash के ऊपर ये Molotov आया जरूर था. Well, he has healed up. Definitely किसी crit को लूटा. शायद यहाँ पर गया होगा. But Enigma के Rex ये कितने अच्छे तरीके से सोचे, पिछला गेम जीते थे, ये वाले गेम में अपने आपको ऊपर लेकर के आ चुके हैं. नीड जरूर है सामने, बट गिल को उनसे कुछ डरने की जरूरत नहीं है. Ash on the other side जरूर डर के रहना चाहेंगे, क्योंकि उनको फिनिश ऑफ यहाँ पर किया जाएगा. धीरे धीरे स्काउट आगे जा रहे हैं. He will try to take a one-on-one fight, but no, Ash takes one down. Ash takes one down. Scout is down. He is down and out at this position. If he gets finished, it's a 1v1v1. Gil को अब संभल के रहना पड़ेगा. UMP game changed. पास, but Ash, Ash versus TX Enigma. अगर ऊपर उठता है Enigma, ओले Enigma dead. So it's now 1v1 situation. Now it's fight for the land. Ash versus Gil. Zone में है गिल, 7 किल, कैन इट बी द 8 किल? एश से विपरीत जा सकते हैं, क्योंकि आप देखें तो जोन में वो प्लेयर नहीं है. एश ने एक शॉट लिया गिल के ऊपर, हिज वेस्ट इज डन फॉर, हिज हेलमेट इज डन फॉर, बट एश को ओपन में स्पॉट किया जा चुका है. डैमेज काफी अच्छा गिल यहां पर दे रहे हैं, बट एश भी कोशिश कर रहे हैं. लुक एट दिस, गोलियां इस प्लेयर के पास, और ये 15 गोलियां बन चुकी है, 8 गोलियां इनके M4 के अंदर है. ही गोस डाउन. गिल ब्रिंग्स द डैम टीम एक्सबॉक अगेन द लाइटनिंग स्ट्राइक्स. बहुत रिस्की था, लेकिन बहुत रिस्की था, निकाल लिया यहाँ पे. फाइनली लाइक गेल ऑलमोस्ट आ चुका था, यू नो ये गेम ऑलमोस्ट टीम एक्सपायर के हाथों से जा